सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। पिछली क्लास में हमने जो है कि वर्टिकल लुकअप सीखा था, आप एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है, ठीक है। आज हम जानेंगे हॉरिजॉन्टल लुकअप का, आप कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में और क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज हॉरिजॉन्टल लुकअप का आप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी वर्टिकल लुकअप, तो आपको पता ही होगा मैंने जैसा कि बताया कि वर्टिकल लुकअप में आप वर्टिकली जब वैल्यूज़ को लुकअप करते हैं तो उसके लिए हम वर्टिकल लुकअप का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है, पिछली क्लास में। अगर आपने नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो ऊपर मैंने टेबल बनाया हुआ है, ऊपर वाला प्रोडक्ट क्वांटिटी प्राइस मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे हमने लिखा है बुक्स और क्वांटिटीज़ और प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल लुकअप के लिए इस तरह डेटा होता है, ठीक है। पर अगर क्या हो कि हमारा डेटा इस तरह हो कुछ, जैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है, क्या किया है मैंने प्रोडक्ट क्वांटिटी और प्राइस को इस तरफ कर दिया, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टली सारी चीज़ें दिख रही। तो जैसे आप देखेंगे प्रोडक्ट के सामने सारी चीज़ें, बुक्स, पीसी, लैपटॉप्स, यूएसबी, पेंसिल, पेन, क्वांटिटी के सामने क्वांटिटीज़ और प्राइस के सामने प्राइसेस सारे, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें आप वर्टिकल लुकअप का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका रीज़न है, अगर मान लीजिए आपको प्रोडक्ट जानना है, ठीक है, तो आप वर्टिकल लुकअप का यूज़ करेंगे, तो मतलब प्रोडक्ट की अगर आपको प्राइस जानना है तो आप नहीं जान सकते, क्योंकि वर्टिकल लुकअप का यही नियम होता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर ध्यान दीजिएगा कि कॉलम इंडेक्स नंबर हम किसको बोलते हैं, जब मतलब हम आपका इस तरह देखते हैं, जैसे मतलब वर्टिकली जो होता है वो हमारा कॉलम होता है, ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टली होता है वो हमारा रो होता है। तो जैसे आपको अगर फार्मूला याद होगा वर्टिकल लुकअप का, एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, ऊपर जैसे मैंने किया हुआ है पहले से, तो आप जब यहाँ क्लिक करेंगे डबल टैप, तो आप यहाँ देखेंगे कि इसका जो फार्मूला हमारा आता है, चलिए हम फिर से आपको एक बार नीचे दिखा देते हैं कि क्या फ़र्क है, ठीक है। तो जब आप वी लुकअप लगाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इसकी वैल्यू आती है, जैसे देखिए मैं इस तरह लगा रहा हूँ तो वो नहीं शो कर रहा है, ठीक है, मैं आपको इस तरह दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। फार्मूलाज टैब में गए, लुकअप एंड रेफरेंस में, याद रखिएगा इसी में हॉरिजॉन्टल लुकअप भी, ठीक है, पर मैं वर्टिकल लुकअप का एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि वी लुकअप जो हमने ऊपर वाले टेबल में लगाया फार्मूला, तो उसमें क्या था कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि कॉलम इंडेक्स नंबर है तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब यही चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम अब हॉरिजॉन्टल लुकअप मान लीजिए लेते हैं, ठीक है, तो अब इस टेबल को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब वैल्यूज़ निकालने के लिए, तो कैसे करेंगे हम? सिंपली आप उसी तरह फार्मूलाज टैब में एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। सिंपली आप यहाँ ओपन करेंगे, होम वाले पे क्लिक करेंगे, फार्मूलाज टैब में जाएंगे और लुकअप एंड रेफरेंस में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे करेंगे तो जैसे वी लुकअप था, ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे एच लुकअप दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब इसका फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें भी सेम वही चीज़ें हैं वर्टिकल लुकअप की, पर क्या चेंज हुआ है आप यहाँ देखेंगे तीसरे नंबर पे रो इंडेक्स नंबर, ये आप देख सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए पहले तो हम इस तरह फार्मूला लगाते हैं एच लुकअप का, ठीक है, क्योंकि आपने वर्टिकल लुकअप की क्लास देखी ही है तो आपके लिए कोई टफ नहीं होने वाला है हॉरिजॉन्टल लुकअप। बस आप ये जानिए कि हॉरिजॉन्टली हमें सेलेक्ट करनी रहेगी वैल्यूज़, इसलिए ये दिखा रहा है रो इंडेक्स नंबर। अब ये समझिएगा कि क्योंकि हॉरिजॉन्टली होता है हमारा रो, ठीक है, तो जब उसमें आप तीसरे नंबर पे गिनोगे तभी ना प्राइस का निकाल पाओगे। जैसे पहला रो, ठीक है, यानी बुक्स, पीसी, लैपटॉप जिसमें प्रोडक्ट है, दूसरा रो क्वांटिटी, ठीक है, तीसरा रो प्राइस। तो अब देखिएगा हम कैसे एच लुकअप को मतलब फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, लुकअप वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए लुकअप वैल्यू के लिए हम A94 को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ टैप कर दिया तो A94 सेलेक्ट हो गया। फिर आप कॉमा लगाएंगे, फिर इसका टेबल एरे पूछ रहा है, ठीक है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया कि टेबल एरे में आप हेडिंग्स को नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें हेडिंग्स से मतलब सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। आप चाहो तो ले सकते हो बट उससे कंफ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है, तो इसलिए हम केवल जो प्रोडक्ट्स से लेके सारी चीज़ें, जैसे बुक्स पर हमने टैप किया तो वो उसने सेलेक्ट किया। अब आप इसको बस ड्रैग कर दीजिए पूरे टेबल तक, ठीक है, तो हमारा जहाँ तक टेबल हमने ड्रैग कर दिया तो ये ऑटोमेटिक ले लिया B90 से G92, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या है रो इंडेक्स नंबर, तो इसी पे मैं चाहता हूँ कि आप फोकस करें, ध्यान दें कि क्या फ़र्क होता है, यहीं पे फ़र्क पैदा होता है। क्या है, जैसे रो इंडेक्स नंबर में हम क्या लेंगे, हमारा प्राइस कितने रो में है, तीसरे रो में, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, तो हम यहाँ सिंपली 3 डाल देंगे, ठीक है, फिर कॉमा लगाएं, फिर उसका रेंज लुकअप, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया वर्टिकल लुकअप में भी कि आप 0 लेते हैं एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, ठीक है, इतना किया आपने, ऊपर से आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या, अभी वही दिखा रहा है नॉट अप्लाइड, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमने A94 को लुकअप रेंज के रूप में वो किया था, तो आप यहाँ टैप करेंगे
ठीक है, मतलब लुकअप वैल्यू के रूप में। तो यहाँ आप टाइप करके आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं लैपटॉप्स, ठीक है, लैपटॉप्स, और ऊपर से टिक कर दिया, मतलब इंटर कर दिया, अगर पीसी में तो इंटर और इसमें तो सिंपली ओके करेंगे, टिक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब लैपटॉप्स जब हमने क्लिक किया तो ये क्या आ गया, लैपटॉप का प्राइस आ गया। इसी तरह आप एक दो और चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए हम यूएसबी लिख देते, ठीक है, यूएसबी हमने ऊपर लिखा, फिर हमने किया तो आ गया 6000। अब ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि एच लुकअप, और इसका डिफरेंस अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं एक बार और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कॉलम और रो का ही बस फ़र्क होता है वर्टिकल लुकअप और हॉरिजॉन्टल लुकअप में, ठीक है, सब वही चीज़, ठीक है। पर क्या होता है कि जैसे कहीं कहीं डाटा, कुछ डाटाज होते हैं जो ऐसे होते हैं सिंपली ऊपर की तरफ जैसा मैंने बनाया था, ठीक है, तो ये वर्टिकली होते हैं डाटाज, अधिकतर जगह आपको ऐसे ही दिखेंगे, इसीलिए वी लुकअप का ज़्यादा यूज़ होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप से, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते कि वो कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही एक बराबर इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हॉरिजॉन्टल लुकअप, मान लीजिए कोई कोई डाटाज ऐसे होते हैं ना जिसमें हेडिंग्स ऐसे दी होती है लाइन से, ठीक है, और इधर डाटाज होता है, तो उसमें लोग घबराने लगते हैं कि अब हम वर्टिकल लुकअप से कैसे निकालें, तो वहाँ पे रोल आता है हॉरिजॉन्टल लुकअप का, क्योंकि पॉसिबल नहीं। अगर आप वर्टिकल लुकअप से निकालेंगे तो आप खुद देखिए कि हम कॉलम लेंगे तो ये गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए थर्ड कॉलम ले लें, ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, अगर मान लीजिए हमने बुक्स डाला, ठीक है, निकालने के लिए हमने थर्ड कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है और हमें चाहिए प्राइस, तो उसमें क्या आएगा, उसमें अगर हम थर्ड कॉलम बुक्स लिखेंगे तो क्या देगा हमें आंसर में, लैपटॉप्स, तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लुकअप जब आप लगाएंगे तो हम रो देखते हैं कि पहले रो में क्या है, प्रोडक्ट है, दूसरे रो में क्या है, क्वांटिटी है, तीसरे रो में क्या है, प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लुकअप आप लगाएंगे, तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी वर्टिकल लुकअप में भी एक बार फार्मूला टैब से लगाया था, फार्मूला एक बार इंटर करके लगाया था, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी फार्मूला लगाएं तो हमेशा इंटर करके लगाएं, मतलब खुद से इंटर करें, मतलब इंटर का मतलब वो इंटर मत समझिएगा, मतलब टाइप करके लगाएं, जैसे देखिए, क्योंकि उससे आपको रट जाएगा। जैसे मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब हम इसी चीज़ को खुद से टाइप करके फार्मूला लगाने वाले। तो कैसे, सबसे पहले फार्मूला के लिए आपको पता ही है, कोई भी फार्मूला आप लगाते हैं एक्सेल में तो इज़ इक्वल टू, ठीक है, और कैपिटल में हमेशा यूज़ करिएगा, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ फार्मूला लगाने के लिए अप्लाई करने के, ठीक है। तो एच लुकअप लिखा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले तो ये भी हम हटा दें, इसको मिटा दें, तब जाके कन्फर्म होगा आपको। रुक जाइए, फिर से इसको हटाना भूल गया था, सॉरी, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम टाइप करके फार्मूला लगाने वाले, तो एच लुकअप, ठीक है, फिर उसके हमने बाद, उसके बाद जो है कि हमने ब्रैकेट ओपन किया, फिर उसके बाद हमने क्या सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इस बार A94 की जगह A95 सेलेक्ट करते हैं लुकअप वैल्यू के रूप में, तो A95, फिर हम कॉमा लगा देंगे, ठीक है, तो वो हमारा सेलेक्ट होता जा रहा है, ठीक है, A90। अब हम क्या लेते हैं, टेबल एरे, तो टेबल एरे कहाँ से कहाँ तक है, B90 से, ठीक है, B90, ठीक है, फिर कोलन लगाते, याद रखिएगा जब आप एक रेंज से दूसरी रेंज तक कोई सेलेक्ट करते कोई भी चीज़ तो वहाँ पे आपका कोलन का यूज़ होता है, याद रखिएगा। अगर आप कॉमा लगाएंगे ना तो वो उस तरह नहीं होगा, वो एक एक लेगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कोलन लगाना होता है जब आप एक पूरा डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके बीच का सारा, तो B90 से कहाँ तक है, G, आप देख सकते हैं G92, तो यहाँ हम टाइप करेंगे G92, ठीक है, तो ये सेलेक्ट कर लिया आपने, देखा सिंपली कैसे, फिर हम कॉमा लगा के, फिर उसके बाद हमें क्या टाइप करना था, हमें टाइप करना था कि हम कौन सा, याद रखिएगा, रो इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नहीं, रो इंडेक्स नंबर, एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर डालना होता है, ठीक है, तो रो किस रो का, मान लीजिए हम क्वांटिटी जानते हैं, इस बार हमें प्राइस नहीं जानना है, क्वांटिटी जाननी है, तो हम क्या डालेंगे, किस रो में है क्वांटिटी, सेकंड रो में, तो हम सिंपली 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर अब हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए होता है, 0, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर हम सिंपली ओके कर देंगे ऊपर से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नॉट अप्लाइड, ठीक है, अब हम क्या है, हमने क्या सेलेक्ट किया था, A95 सेलेक्ट किया था हमने एज अ हमारा लुकअप वैल्यू, तो हम यहाँ पे आके, याद रखिएगा, आप टाइप करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी आपने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की होगी ना उसी के अकॉर्डिंग ये आपको शो करता जाएगा जहाँ पे आपने फार्मूला लगाया है, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए, हम मान लीजिए बुक्स करते हैं, ठीक है, बुक्स किया हमने, सिंपली ओके किया, देखिए हमें, हमने क्या डाला था, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी हमें, तो हमने सेकेंड डाला था, तो क्या दिखा रहा है हमें, क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है, बुक्स की क्वांटिटी कितनी है, 1209। अब मान लीजिए हम इसकी जगह बुक्स की जगह डाल देते हैं, पेंसिल डाल देते हैं मान लीजिए, ठीक है, पेंसिल, फिर हमने ओके किया, आ गया 12 क्वांटिटी। तो इस तरह होता है हमारा एच लुकअप, ठीक है। और अब हम एक बार एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं, पेन, ठीक है, पेन करके फिर हमने ओके किया,
908 क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ ही गए होंगे। अब मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, आप करेंगे तो आपको खुद रट जाएगा। और इसलिए मैं बोलता हूँ टाइप करके कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने को एक्सेल में, क्योंकि उससे आपकी वर्क की जो स्पीड होती है ना वो बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। क्योंकि ये कभी कभी पॉसिबल नहीं रह जाता है कि आप फार्मूला टाइप में फार्मूला ढूंढें, क्योंकि ना होता है कि आप कभी कभी आप उसमें बहुत सारे फार्मूला है, ठीक है, तो आप ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए हमेशा टाइप करके ही अप्लाई करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। फिर मैं मिलूँगा अगली क्लास में अब अगले फार्मूला के साथ जो इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Signing off.